बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमीशन जारी रहेगा, अजय मिश्रा कमिश्नर बने रहेंगे, उनके साथ विशाल सिंह एक और कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। और एक बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है, ताजमहल से जुड़ी बड़ी खबर है, याचिका खारिज कर दी गई है। जी हां, ताजमहल में सर्वे कराने की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसके संकेत शुरुआती टिप्पणी से ही मिल गए थे। तीखी फटकार लगाई थी याचिकाकर्ता को और याचिका खारिज। ताजमहल जिसे अभी कुछ लोग तेजो महाले बता रहे हैं, अभी हमारे साथ परमेश्वराचार्य भी जुड़े हुए थे, तो ये याचिका खारिज कर दी गई है। इसमें सर्वे की मांग जो की गई थी, इस मांग को खारिज कर दिया है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने। बड़ी खबर इस वक्त की, ताजमहल मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एक और ये निर्णायक, एक निर्णायक यहां पर कोर्ट की तरफ से आदेश और फैसला, निस्तारित कर दी याचिका, याचिका खारिज। रजनीश सिंह याचिकाकर्ता थे, उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो ये पता लगाए कि जो 22 कमरे बंद पड़े हैं उसमें क्या है, उसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी जाए, ऐसी मांग की गई थी आदेश देने की हाईकोर्ट से। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए जो इस फैसले पर हाईकोर्ट के और ज्यादा हमें जानकारी देंगे। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? याचिका खारिज कर दी गई है और कोर्ट ने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उससे पहले जब 11 बजे सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की थी और जो याचिकाकर्ता है उनसे फटकार भी लगाई थी, कहा था कि ऐसी याचिका जिसमें कोई आधार नहीं किया गया है पहले पढ़ के आए, पहले रिसर्च करके आए और उसके बाद इस तरह की याचिका करें और सवाल उठाए कि ताजमहल कब बना था, कैसे बना था, कोई जानकारी नहीं है। और कोर्ट ने जैसा कि उम्मीद थी, जो संभावना जताई जा रही थी कि याचिका खारिज कर दी जाएगी, याचिका खारिज कर दी गई है। अब इसमें आगे क्या होगा, इससे पहले भी तमाम याचिकाएं जो दायर हुई है ताजमहल को लेकर वो भी इससे पहले 2017 की बात करें तो विवेक, आपकी आवाज में बहुत स्पष्ट नहीं मिल रही है, लेकिन जो बात साफ हुई आपकी बात से वो ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वहां पर जो कमरे खुलवाकर फैक्ट फाइंड्स करने के लिए जो कमेटी गठित करने की जो मांग वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। एक बार हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे विवेक और आपसे जानेंगे कि क्या कहा है असल में कोर्ट ने इसको खारिज करते वक्त। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त की और अब की बार ताजमहल से जुड़ी बड़ी खबर है कि सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं रजनीश सिंह जिन्होंने याचिका दाखिल की थी, रुद्ररमन सिंह उनके अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस याचिका को दाखिल किया था और इसमें कहा गया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो ताजमहल के जो 22 कमरे बंद पड़े हैं उसको खोल के ये पता लगाए कि ये क्या है, इसको क्यों बंद रखा गया है और इसका इतिहास क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। इससे जुड़ी हुई जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है, उसको डिसमिस कर दिया है हाईकोर्ट ने। और ये बड़ी खबर इस पर भी सबकी निगाहें थी इस याचिका पर। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विवेक, का इसको खारिज करते वक्त कोर्ट ने कहा क्या है? में भी ऐसा हुआ था, यानी आखिरी बार जब दरवाजे खुले थे ताजमहल के, उन बंद दरवाजे वो 1934 में खोले गए थे, उस समय भी बहुत ज्यादा इस पे स्टडी नहीं हो पाई थी, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आ पाई थी, लेकिन दोबारा से कहा गया चूंकि ये मुद्दा इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है और तमाम लोग इसमें, तमाम नेता भी इसमें पैरवी कर रहे हैं, बहुत सारी पैरवी हो रही है, याचिका इसलिए दाखिल की गई थी, जनहित याचिका जो PIL है, लेकिन PIL को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये भी कहा है कि PIL का दुरुपयोग ना होने पाए, ऐसी तमाम PIL सामने आती रही हैं जिसमें दुरुपयोग होता रहा है, तो कोर्ट ने एक चेतावनी भी दी है कि इस तरह का PIL में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जो इनिशियल कमेंट्स थे जब आज सुबह बात हुई और वही बात कही है इस याचिका को खारिज करते वक्त कोर्ट ने, इसलिए विवेक के पास शायद एक और, देखिए विवेक बात करने की कोशिश कर रहे हैं इस संबंध में, जो लोग वहां पर कोर्ट परिसर में मौजूद हैं उनसे बात करके विवेक का कुछ नए तथ्य अब आपके सामने रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ताजमहल में कमरे खुलवाकर जांच, सैफल एक मिनट सर, आदर रुक जाए, हो
कोर्ट ने इस पिटीशन को इंटरटेन नहीं किया है और उसमें बहुत सारी कमियां थी, ज्यूरिडिक्शन यहाँ का नहीं बनता था और अन्य उनकी जो प्रेयर थी उसको कोर्ट ने नहीं माना है और इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। थैंक यू। क्या बातें रखी गई थी? पिटीशनर की मांग थी कि उनका अमृतसर नाम है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काउंसिल हूँ, उनकी डिमांड थी कि 22 कमरे खुलवाए जाएं और उनके बहुत सी ऐसी प्रेयर थी जो कि मेंटेनेबल नहीं था, कोई फैक्चुअल बहुत सारे मिस्टेक थी उस पिटीशन में, इसलिए कोर्ट ने पिटीशन किया। आपने क्या तर्क रखा था कोर्ट में कि नहीं होना चाहिए? जो हमको भारत सरकार से इंस्ट्रक्शन मिला था वो हम रखा। याचिका को खारिज किया। बड़ी खबर, अभी भारत सरकार के अधिवक्ता की बात आप देख रहे थे जो इस सुनवाई के दौरान मौजूद थे, विवेक हमें और विस्तार से बताएंगे, लेकिन उनकी बात से बहुत साफ है कि कोर्ट ने तथ्यों की कमी और गलती की वजह से, और जुरिस्डिक्शन इस कोर्ट का नहीं था, हाई कोर्ट का नहीं था, इस कोर्ट में इसको नहीं सुना जा सकता था, मेंटेनेबल नहीं थी, इसे नहीं सुना जा सकता था, इसलिए खारिज कर दिया है। इस याचिका को ये आधार बताते हुए खारिज किया गया है। इस याचिका में जो बातें कही गई थी, जो तर्क दिए गए थे, उसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स थी, ये भी कोर्ट ने पाया और इसका ज्यूरिसडिक्शन यानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ये नहीं था, इसलिए भी इसको खारिज किया है। ये वकील साहब की बात से स्पष्ट है। जिन वकील साहिबान की बात अभी आप सुन रहे थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के वकील थे, इस सुनवाई में भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद थे और उन्हीं की बात अभी हमने आपको लाइव दिखाई है। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं कोर्ट के ठीक बाहर, इस सारी सुनवाई को वो देख भी रहे थे, इस सारी सुनवाई पर वो रिपोर्ट कर रहे थे आपको, उनसे हम और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको डिसमिस कर दिया है, इस याचिका को खारिज कर दिया है। ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने की मांग थी इसमें, उसमें सर्वे करवाने की मांग थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की मांग थी और उस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर। तो फिलहाल पिटिशनर को यहां निश्चित रूप से झटका लगा है, जो याचिका करता है रजनीश सिंह उनको झटका लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से। उन्होंने जो पिटिशन दाखिल की थी, जो मांग की थी कोर्ट से, वो याचिका डिसमिस कर दी है फैक्चुअल मिस्टेक्स की वजह से, तथ्यात्मक गलतियों की वजह से, और कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर की बात बताई गई। जो ये मुझे ऐसा वकील साहब ने बताया है। आपने क्या क्या तर्क रखे थे? मैंने सिर्फ बहुत सिंपल सा तर्क रखा था कि जो 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है उसको खोल दिया जाए। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की थी उस पर मुझे नहीं जाना है। कोर्ट ने कहा कि आप नहीं खोलेंगे, जो भी रहो जजमेंट, उन्होंने मेरी प्ली डिसमिस की है। आपकी PIL को कोर्ट ने तल्ख नजरिए से देखा और फटकार भी लगाई, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा सच है तो क्या अनपढ़ को भारत के इतिहास जानने का अधिकार नहीं है? क्या हमको मुगलों का इतिहास ही पढ़ाया जाएगा? कोर्ट ने आपसे कहा कि तैयारी करके आइए, PhD करिए, रिसर्च करिए। लॉर्ड से परमिशन दे, मैं PhD करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये बात सही है आपकी। तुम कोर्ट ने आपसे और क्या क्या कहा? हम मैं अंदर नहीं था, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं अगर वो सही है तो मैं ऑनरेबल न्यायालय से मांग करूंगा कि हमको परमिशन दे दे, मैं अपील जो है मैं PhD करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आप आके क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर PIL दाखिल करूंगा, निश्चित जाऊंगा। ठीक है, देखिए राजेंद्र, याचिकाकर्ता हमारे साथ थे रजनीश, जो भाजपा के नेता भी हैं, और वो कह रहे हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी यहाँ से अगर याचिका निरस्त की गई है, क्या कहते हुए विवेक डिसमिस किया है? विवेक, ये याचिका क्या कहते हुए कोर्ट ने खारिज की है, एक बार फिर से स्पष्ट कर दें। देखिए राजेंद्र, हमारे साथ वकील भी हैं यहाँ पर, जो जिन्होंने पूरे मामले में अंदर कोर्ट से बहस की है, चर्चा की है, वकील भी हैं, क्या कह रहे हैं हम सुनवाते हैं। जी जरूर। हमने लगाया था तो CIC को लेकर उन्होंने कहा कि CIC ने जो ऑर्डर पास किया है वो RTI पर भी सरकार ने, हाई कोर्ट ने कुछ कहा है? नहीं, RTI के तहत उन्होंने कुछ नहीं कहा। RTI में तो उन्होंने कहा कि आपने जो RTI लगाई थी उसका जवाब आपको नहीं मिला है। उन्होंने जरूर CIC को लेकर, एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को लेकर जो हमने किया था वो हमने लगाया था, तो CIC को लेकर उन्होंने कहा कि CIC ने जो ऑर्डर पास किया है वो
बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन, उन्होंने अपने बियॉन्ड द पावर जो ऑर्डर पास किया था। ये चार अपील की क्या हाई कोर्ट किसी भी मुद्दे पर आपसे कन्विंस हुआ? आपके मुद्दे पर जो चार आपने अपील की थी, उस जो मांगे की थी, उन पे कहीं कन्विंस हुआ हाई कोर्ट आपके साथ जो प्रेयर्स थी? देखिए चारों प्रेयर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, तो अगर वो एक प्रेयर पे अगर कहते कुछ तो दूसरे प्रेयर पे भी उनको कहना पड़ता। कौन सी चारों प्रेयर थी एक बार ये बताएं? तो यानी कि चारों प्रेयर जो थी उनको सिरे से खारिज कर दिया, आपको दे दिया जाएगा उसी माध्यम से। यानी कि चारों प्रेयर जो आपकी थी उनको सिरे से खारिज कर दिया गया? नहीं, सिरे से नहीं खारिज। देखिए मैं यही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको ऐसे मत कहिए सिरे से खारिज कर दिया गया। आप अगर वेल आर्टिकुलेटेड जजमेंट में इसे कहूंगा, उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम जजेज हैं जो कानून है कानून को जज करते हैं, अगर कोई कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको जज करते हैं। लेकिन यहां पे आप बात कर रहे हैं कमेटी बनाने की, और वो कमेटी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उन कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। उन्होंने ये कहा कि इस कमेटी का मेंबर्स एकेडमिशियन हिस्टोरियंस हो सकते हैं, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंसान को ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर लोग होंगे। तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहने की कोशिश करी, जो मैं अपने हिसाब से उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, कि आप जो हिस्टोरियंस हैं उनको हमें अप्रोच करें। हालांकि हिस्टोरियंस का हमने हवाला भी दिया, कई सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा भी है। क्या कोर्ट ने कहा कि दिस इज डिबेटेबल इशू, कमरा खोलने के भी उन्होंने कहा कि यह एक डिबेटेबल इशू है, इस पर डिबेट होनी चाहिए। कोर्ट ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझसे हालांकि ऑर्डर में नहीं है, उन्होंने वर्बली ये भी कहा कि आप मेरे चैम्बर में आई, मैं आपसे इस बात पर डिबेट करना चाहता हूँ, मैं इस पर डिबेट करूंगा, आपको आपके साथ चाय पीऊंगा, मैं डिबेट करूंगा। ये हालांकि ये सरकार में ये प्रेयर से जब खारिज हो गया तो आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि एक कोर्ट से तो खारिज हो गया तब दूसरी कोर्ट में भी जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या आप सरकार के पास भी करेंगे? सरकार के पास भी मैं क्योंकि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इनका, हिस्ट्री एकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री एकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, एएसआई को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर आप अगर इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर, तो उन्होंने कहा कि हम उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल एकेडमी के पास जाइए, आप उनसे कहिए वो रिसर्च करेंगे इस मुद्दे पर। तो मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन बना लिखूंगा और एएसआई को भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। अभी पहले मैं डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा, क्योंकि एक अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है तो मुझे उसका पालन करना चाहिए। मैं पहले उन डिपार्टमेंट्स को लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन अपना और उनको कहूंगा। चलो थैंक यू। कौन से चारों प्रेयर तो अभी आप जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील साहब की बात आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी लिखेंगे। और सुबह क्या हुआ देखिए आप बताएं, जस्टिस डीके उपाध्याय ने फटकारा याचिकाकर्ता को, और अभी की खबर यह है कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। जो ताजमहल में 22 बंद कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका थी उसको हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। उसमें कुछ आदेश है कि आप जो सरकार के विभाग हैं उनसे ऐसी मांग कर सकते हैं। ये बात जो वकील साहब कह रहे थे इस पर हम और ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त करेंगे। वकील साहब ये भी ये बता रहे थे जो पिटिशनर के वकील हैं कि डिबेटेबल इशू है 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली बात। विवेक त्रिपाठी के पास वापस चलते हैं। विवेक का बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं, चार प्रेयर्स थी, क्या चारों को खारिज कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, क्या कहते हुए खारिज कर दिया है? यहाँ पर वकील साहब ये कह रहे थे कि नहीं ये जो आप लोग वर्ड यूज कर रहे हैं खारिज करना सही नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए इसको? बिल्कुल देखिए राजेंद्र, यहाँ पर जो अभी वकील हैं तमाम जो उनका पैनल है और भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने पीएल दाखिल करी थी वो भी मौजूद हैं, रजनीश और ये उनके वकील हैं। वकील का कहना है कि अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें नहीं है, डिबेटेबल है, यानी कमरे खुलवाने की बात जो कही गई कि ताज महल के वो 22 कमरे जो बंद हैं वो कमरे खुलवाने के लिए जब इन्होंने कहा तो जज ने कहा कि ये डिबेटेबल, यानी इस पर बैठ कर बहस करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जज यानी जो पीआईएल दाखिल हुई थी उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, कन्विंस नहीं है, और उनको कोई वजह सामने नहीं दिखी कि इस पीआईएल को आगे बढ़ाया जाए, सुनवाई की जानी चाहिए। सुबह जब 11 बजे सुनवाई पहले हुई थी तभी जज का रुख स्पष्ट हो गया था कि इस पीआईएल में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, तभी उन्होंने कहा था कि इसको खारिज करने के बजाय एक मौका दिया था, 2 घंटे मौके दिए थे कि आप और बातें लाएं और चीजें तथ्य सामने लाएं और जानकारियां सामने लाएं, क्योंकि जो पीआईएल में दिया गया था वो रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड्स दिए गए थे, जो पुराने संदर्भ दिए गए थे, वो सारे संदर्भों में कई बार
जिला सेशन कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक तमाम बार सुनवाई हो चुकी है। इसके पहले भी पीआईएल दाखिल हो चुकी है। 2015 में हरिशंकर जैन लखनऊ के थे, उन्होंने आगरा में सिविल कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी बिल्कुल इसी मुद्दे पर। यानी यह पहला मौका नहीं है जब इस ताजमहल के मामले पर पीआईएल दाखिल हुई थी, पहले भी दाखिल हुई और उसको भी खारिज कर दिया था कोर्ट ने, वहां पर सिविल कोर्ट ने खारिज किया। केंद्र सरकार ने और एएसआई ने एक रिपोर्ट अपनी दी थी जिसमें कहा था कि ताजमहल ताजमहल ही है, वो तेजो महल नहीं है, उन्होंने दावा कर दिया था। उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं सिविल कोर्ट से खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में इसको अपील किया है, उसकी अभी सुनवाई चल रही है, वो विचाराधीन है। लेकिन इसी मामले में ये जो यहाँ पर दोबारा हुआ है वो उस मामले में दोबारा भी वही पुराने दस्तावेज, वही पुरानी बातें, वही जानकारियां सामने आई थी। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब इसमें कुछ नया नहीं है, ये कहकर उन्होंने याचिका खारिज कर दी है। वकील भी हैं बहुत सारे, यहाँ पैनल पूरा खड़ा हुआ है और जो बातें बता रहे हैं कि डिबेटेबल इशू यानी चर्चा करने के लिए, ये ऐसा विषय है जिस पर बैठकर चर्चा की जाएगी कि वो 22 कमरे खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, उन कमरों के अंदर क्या है, क्या बातें हैं, कौन से ऐसे साक्ष्य हैं, सबूत हैं जिसको लेकर याचिकाकर्ता रजनीश इतना दावा कर रहे हैं कि वो तेजो महल का दावा कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो 22 कमरों के अंदर क्या है, ये उसके लिए बहस की जरूरत है, डिबेट की जरूरत है। और वो अभी भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि डिबेट की जरूरत है। लेकिन जो याचिका में मुद्दे थे, जो बनाई गई थी बातें, उनको लेकर जो रखी गई थी, जो तथ्य रखे गए थे, वो तथ्य कितने सटीक थे इस पर कोर्ट की अभी टिप्पणी नहीं आई है कि वो तथ्य क्या वाकई में उन पर वो मुझे ऐसा लगता है जो इनके वकीलों का संकेत भी है कि वो तथ्य चर्चा करने लायक नहीं थे, वो आगे बढ़ाने लायक नहीं थे। जिस तरह से पीआईएल को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी कि इसमें सुनवाई होगी, इसमें डेट्स लगेंगी, तारीखें लगेंगी, तथ्य आगे बढ़ाने लायक नहीं थे। शायद यही वजह है कोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, या जो तर्क हैं, जो दावे हैं, जो रखे गए थे, उसमें कोर्ट को नहीं लगा कि इस पे बहस की जानी चाहिए, इसीलिए उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन अभी जो वकील हैं, जो पैनल है पूरा, जो रजनीश हैं, उनका उनकी तरफ से जो केस पीआईएल की याचिका पर की पैरवी कर रहे थे, वहाँ पर कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे, बहस कर रहे थे, वो यहाँ पर अभी अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, किस वजह से, जो मेन वजह क्या रही, मेन वजह क्या रही, 11 बजे ही जो पहली सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि इसमें, और ये अंदेशा भी था, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस याचिका को आज ही यहाँ निस्तारित कर दिया जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। और यही हुआ भी, जैसा कि सुबह एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि जज बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है इसमें दिए गए तथ्यों और दावों के आधार पर, वो बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। उन आधार पर ही याचिका खारिज की गई। ये तो सच है कि बहुत सारी बातें इसमें कोर्ट को ऐसी नहीं लगी कि इसको सुना जाए, इसको एंटरटेन किया जाए, और इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन वकील साहब ये कह रहे थे कि उनके सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं, और ये ऑर्डर ऐसा नहीं है जिससे ऐसा समझा जाए कि सारे रास्ते उनके बंद हो गए हैं। इस पर आप और जानकारी आप इकट्ठी करिए, लेकिन एक बार हम आगरा चलेंगे। आगरा जहां पर ताजमहल है, जहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय मौजूद हैं, और जहां को लेकर यह सारा प्रकरण कोर्ट के सामने था। नितिन, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, बड़ी खबर, ताजा अपडेट यही है, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, क्या माहौल है इस आदेश के आने के बाद? देखिए बिल्कुल, देखिए भले ही ये याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं कि ये याचिका खारिज नहीं हुई है, भले ही इसको याचिका खारिज ना माना जाए, निस्तारित माना जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज सब्जेक्ट ऑफ आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा के बाहर है, यानी कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर है ये पूरा मामला। इसके लिए आपको एकेडमिशियंस, यानी जो कहा जाए ऐसे शिक्षाविदों के पास जाना चाहिए, आपको हिस्टोरियंस के पास, इतिहासकारों के पास जाना चाहिए, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता, ये कहीं ना कहीं कोर्ट के समय की बर्बादी है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए इस पर नाराजगी व्यक्त की है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिकाओं को लेकर कोर्ट का जो रवैया है बहुत ज़्यादा सख्त है। आगरा में बिल्कुल ताजमहल से लगते हुए तमाम जो कारोबारी है उनसे बात करते हैं, क्योंकि कब जब कोई विवाद छिड़ता है ताजमहल से तो टूरिज्म प्रभावित होता है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए, ये अब याचिका पूरी तरह से कहा जाए डिस्पोज ऑफ कर दी है, निस्तारित कर दी है, खारिज कर दी है, आप कैसे देखते हैं? योर फर्स्ट, देखिए मेरा मानना यह है कि जो कोर्ट ने फैसला लिया है बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है, और इससे जो है आगरा के अंदर कोरोना काल के चक्कर में 2 साल हमारा व्यापार पूरा बंद रहा, और जब इस तरीके की याचिकाएं दाखिल होती हैं तो टूरिज्म अफेक्ट बहुत पड़ता है, क्योंकि जब हम कहीं विजिट करने जाते हैं तो पहले वहाँ के माहौल को देखते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, और जब ये एटमॉस्फेयर ही ख़राब होगा कि यहाँ पे इतने बवाल होंगे, हिंदू मुस्लिम की कोई भी याचिकाएँ दाखिल होंगी, और ताजमहल जो है सिंबल ऑफ लव है,
जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं ताजमहल को देखने आ रहे हैं अपना टाइम का दुनिया में सबसे बड़ा पैगाम देने वाला खूबसूरत इमारत है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है और ये दुनिया में जाना जाने वाला शहर है। आगरा एक शहर है, एक लव सिटी है और जब इस तरीके की यहाँ पे बातें होंगी तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्या लगता है आप कैसे देखते हैं, बिल्कुल आपका यहाँ पास में ही होटल है, आप कैसे देखते हैं लगातार ताजमहल सुर्खियों में बना हुआ था, कोर्ट ने सीधे सीधे पहली सुनवाई में ही फर्स्ट हाफ में सुनवाई हुई थी हमें इशारा मिल गया था कि कोर्ट का इस पर रवैया सख्त है। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, हम लोग टूरिस्ट एजेंसी जुड़े हुए लोग हैं, दो साल से हमारा कारोबार वैसे ही बंद पड़ा हुआ, इधर ये ताजमहल का ये मुद्दा आने के बाद में जो टूरिस्ट आ रहा था बिल्कुल रोक लग गई उसके अंदर, आना बंद हो गया वो। आज जो फैसला आया उसको सारी टूरिज्म इंडस्ट्री जितने भी लोग हैं वो खुशी की लहर है उनके अंदर। कोर्ट ने कहा है कि ये न्यायिक समीक्षा से बाहर है, ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। कोर्ट ने पहले फर्स्ट हाफ में पूछा याचिकाकर्ता के वकील से आप PhD करिए, आप हिस्ट्री तलाशिए, खगालिए, कहीं ना कहीं जस्टिस DK उपाध्याय इसको लेकर सीधे सीधे वो सवाल दाग रहे थे और याचिकाकर्ता से सीधे सीधे वो सवाल पूछ रहे थे कि किस हैसियत से आप यहाँ आए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही पूछा, उनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए पहले। ये मोहब्बत की निशानी है, ये आगरा जो है सुलह कुल की नगरी है, यहाँ सब बहुत प्यार मोहब्बत से भाईचारे से रहते हैं, यहाँ की सरजमीं यहाँ की मिट्टी के अंदर मोहब्बत है, आगरा की मिट्टी के अंदर। शाहजहाँ ने ताजमहल जब आगरा में बनाया तो कुछ देख करके ही बनाया, यहाँ की जर्रे जर्रे के अंदर मोहब्बत है, यहाँ कोई आपसी में नहीं है, यहाँ जैन धर्म भी रहता है, यहाँ हिंदू धर्म भी रहता है, सिख धर्म भी रहता है, मुस्लिम धर्म भी रहते हैं, सब लोग ताजमहल जाते हैं और लोग अपने रिश्ते तय करते हैं ताजमहल में जा करके। यह मोहब्बत की निशानी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बेटियों के बेटों के रिश्ते ताजमहल में जाके तय होते हैं, रिंग सेरेमनी हो, प्री वेडिंग सूट हो, सबको जो ताजमहल के अंदर। क्या लगता है सिंबल ऑफ लव ताजमहल को कहीं ना कहीं नफरत की बुनियाद पर नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आज हाईकोर्ट की तरफ से कोर्ट की ये होनी चाहिए। हर आदमी कोई ना कोई याचिका दायर कर देता, हर आदमी कोई ना कोई भी किसी भी बिल्डिंग में किसी भी चीज में खड़ा कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई विवादित जगह हर चीज को विवादित बनाने की कोशिश करी जा रही है। टेंशन का माहौल जो आता है ना, टेंशन का जब माहौल होता है तो जो टूरिस्ट बाहर से यहाँ आता है वो आने पे एकदम रुकता है, उन्हें पता नहीं क्या टेंशन हो गया, तो यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट शोरूम सारे लोग और जो बनने वाले दस्तकार हैं वो सब बेकार बैठे हुए हैं। आज लग रहा है आपको कि इट इज वेस्टिंग ऑफ टाइम टू कोर्ट एंड टू द पीपल हु आर सिटिंग इन द कोर्ट, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो ये विवाद जो पैदा करने की जो कोशिशें चल रही हैं इसको जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होके इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मुझे कोर्ट से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके की याचिका को दाखिल करा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, ताकि फ्यूचर में और भविष्य में वो इस तरीके की कोई याचिका दाखिल ना करें, ना कि कोई ऐसा कोर्ट ने, हालांकि याचिकाकर्ता कहना है कि हम इस मुद्दे को आगे रखेंगे, आगे लड़ाई लड़ेंगे, उनका जो वो कोर्ट अगर वो बोलेंगे कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे याचिका दाखिल करने, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर ये माहौल गर्म करने वाली बात होगी और माहौल खराब कर रहे हैं। ताजमहल के पास आन करके वहाँ लड्डू बांटना कि हमारी याचिका हो गई, वो एक टूरिस्ट के अंदर एक बेकार में टूरिस्ट कम होता जा रहा है, माहौल खराब होता जा रहा है। हमारा देश जो है ऐसा नहीं है, हमारा देश मोहब्बत का देश है, यहाँ सब लोग बहुत प्यार से मोहब्बत से मिलकर रहते हैं। ताजमहल सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी आत्मा है, बहुत बड़ी आत्मा है, ये मोहब्बत की वो आत्मा है कि इसमें सब लोग समाये हुए हैं, इसमें हिंदू का भी योगदान है, इसमें मुस्लिम का भी योगदान है, इंसान है। ये ताजमहल निशानी मोहब्बत की निशानी है और पूरी दुनिया और को लोग हम लोग लेकिन उनसे भी बात करें, दुनिया को उनका परिचय पूछे और उनसे भी बात करें, लेकिन जो और लोग वहाँ पर आपके साथ हैं उनकी राय भी ले लें बहुत जल्दी से। भी लोग हैं आपसे बात करेंगे, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, अब पूरे रिट खारिज कर दी गई है इसको, अब क्या कहना चाहेंगे ताजमहल को लेकर जो 22 कमरों को लेकर रिट खोलने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी अपना फैसला लिया है इसके बारे में, बहुत हम लोग बहुत ही मतलब खुश हैं इस चीज़ को लेके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम यहाँ के सभी लोग बहुत खुश हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा है कि आप इसके लिए एकेडमिशियंस के पास जाइए, आप शिक्षाविदों के पास जाइए, आप इतिहासकारों के पास जाइए, इट इज़ आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये उन्होंने टिप्पणी की है जस्टिस उपाध्याय ने, तो आपको कैसे देखते हैं? वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, पहले इतिहास पढ़ के आने चाहिए, जो पढ़ के आएँ तभी उसके में बात करें। इसके अलावा जो अगर कोई भी चीज़ कर रहा है बगैर पढ़े लिखे बगैर किसी हिस्ट्री के पढ़े हुए तो याचिका दायर कर रहा है, वो वक्त खराब कर रहा है कोर्ट का। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके पास वापस आते हैं परमहंसाचार्य जी हमारे साथ हैं, परमहंसाचार्य जी हमारे साथ हैं, अब चूंकि ये फैसला आ गया है, परमहंसाचार्य जी, जगतगुरु परमहंसाचार्य जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये आप जिसको तेजो महालय कह रहे थे ऐसे ही मांग लेकर याचिका गई थी वहां पर, कोर्ट ने डिसमिस कर दी है, गुरुजी अब क्या कहना है आपका?
इतना जल्दी बारे साक्ष्य कलेक्ट करो, अभी तमाम इसकी कई पुस्तकें हैं इतिहासकारों की इस पर। परम हंसाचार्य जी नहीं है, हमसे आके मांगो, हम देंगे उसको। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। शोएबुर रहमान से बात कर लेते हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं रहमान साहब? देखिए ये फैसला खुशाइन है और देश के हित में है, और जो वहाँ के लोग रोजी रोटी से जुड़े हैं उनके हित में है, और इसका जो है पूरी तरीके से स्वागत होना चाहिए। और ये एक अच्छा फैसला है, और जस्टिस उपाध्याय जी ने जो फैसला दिया है वो अहम फैसला था, और इस वक्त इस देश को ज़रूरत इस बात की है कि लोग रोजी रोटी से जुड़े, किसी का रोजी रोटी, किसी का रोज़गार न छीने, किसी भी तरीके से किसी तरह की कोई बात न पैदा हो, और ये एक बहुत अहम कदम है। और कुछ इसी तरीके के फैसले जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियां हैं जो मुग़लों के दौर की रही हैं, उन जिनसे हम दो पैसे हमारे देश को आते हैं, और दुनिया के तमाम ममालिक से लोग आते हैं यहाँ पे सैलानी के तौर पे, घूमने के तौर पे, टहलने के तौर पे, इतिहास की चीज़ों को देखने के तौर पे, उन सब का आना जाना आसान हो। इस सबसे सबसे बड़ा जो असर पड़ रहा है वो हमारे कारोबार पे असर पड़ रहा, हमारी इकोनॉमिक पे असर पड़ रहा, हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए। और कोर्ट ने तमाम चीज़ों को देख के फैसला दिया है, बहुत ही खुशाइन और बहुत ही अच्छा फैसला है, हम इस कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हैं। एक बार विवेक के पास चलते हैं, उसके बाद परमहंसाचार्य से जरूर बात करेंगे और उनका कमेंट लेंगे हम कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन विवेक का इस फैसले के बारे में मुझे लगता है और जानकारियां आपके पास इस बीच में आ गई होंगी, और इस आदेश के बारे में आपको और सारी बातें मालूम पड़ी होंगी, हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजेंद्र, चूंकि ये हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी इस पीआईएल की, और बहुत सारा ये हाईकोर्ट में जितने भी वकील हैं उसमें चर्चा का विषय था कि आखिर ताजमहल है या तेजो महल है, ये इस पर चर्चा शुरू होगी या नहीं होगी। एक वकील हमारे साथ हैं हाईकोर्ट के ही, हम उनसे पूछेंगे आज जो ताजमहल पर याचिका दाखिल की गई थी उस पर क्या आप अंदर थे कोर्ट में, क्या टेक्निकल चीजें हैं जरा बताइए। देखिए सबसे पहले तो ये जो याचिका थी इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्ली डाली गई थी, जिसमें कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये हिस्टोरियंस का काम है, कोर्ट इस पर कुछ भी एडजुडिकेट नहीं कर सकी, इट इज़ कम्प्लीटली अ नॉन जस्टिसिएबल मैटर वेयर कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। ये सीधा सीधा मामला है, और असल बात यह है कि इनका कोई लोकस भी नहीं है, कि पीआईएल के तौर पे इसको एंटरटेन कोर्ट नहीं कर सकती, इसी ग्राउंड पे कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है? क्योंकि देखिए कोर्ट ने सुबह ही कहा था कि पीआईएल का दुरुपयोग ना किया जाए, एक इशारा कर दिया था कि दोपहर में क्या होने वाला। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिविलस पीआईएल पे कोर्ट काफी ह्यूज कॉस्ट लगा देती है, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक अभी मेरी जानकारी है शायद कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, और उसके बाद रेमेडी इनके पास ये है, या तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, या जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि हिस्टोरियंस के पास जाएं, ये स्टडी का मैटर है, ये कोर्ट इस पे कुछ भी एडजुडिकेट नहीं कर सकती। याचिका खारिज हो गई है, आप भी हाईकोर्ट में है, क्या कहेंगे, क्या तर्क रखा कोर्ट ने और क्यों खारिज की गई? देखिए याचिका खारिज होने से अगर कोई उनके ऊपर कास्ट लगाई जाती याचिकाकर्ता के ऊपर, तब तो वो माना जाता कि नहीं उनके पर्सनल उनके ऊपर कोई एलिगेशन वो हुआ है, चार्जेस है। याचिका खारिज होना एक सामान्य प्रक्रिया है, और ऑनरेबल कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको उस याचिका को मेंटेनेबल नहीं माना है, जो इंग्रेडिएंट्स और वो होते गाइडलाइंस होती हैं याचिका की सुनवाई के लिए, वो मेरिट पे उसको सही नहीं माना है, इसलिए खारिज कर दिया। इसका कोई याचिकाकर्ता के ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं शकील अहमद खान एडवोकेट। लेकिन पूरे देश में इस याचिका पर सुनवाई को लेकर चर्चा थी और सबकी नजरें लगी थी यहाँ पे कि आज कोई ना कोई फैसला होगा, आगे चीजें बढ़ेंगी, 22 कमरे जो बंद हैं उनके ताले खुलेंगे। देखिए ऐसा है कि कोई कोई ये तो वावाला कोई इसमें जुर्माना नहीं लगा है, ये बात साफ है। ये वकील साहबान के इन वक्तव्यों से बहुत साफ है विवेक के खारिज तो किया गया इसको, लेकिन कोई जुर्माना नहीं लगाया गया याचिकाकर्ता पर, और ये कहा गया है कि ये कोई जुडिशियल रिव्यू का विषय नहीं है, इस पर कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं बनती है, ये इतिहासकारों का और जो विश्लेषक है उनका विषय है। और ये कहते हुए फैक्चुअल मिस्टेक्स पाते हुए इसमें इस याचिका को डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, नितिन आपका बहुत, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नीतीश भी हमारे साथ जुड़े रहे, नीतीश पांडे आपका भी बहुत धन्यवाद, और परम हंसाचार्य जी और शोएबुर रहमान साहब आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए।